हेलो गाइस, नमस्ते आप सभी लोग को। और आज है रमन, इसका मतलब कि हम संध्या को आज उनके घर से वापस लेने आएंगे। तो अभी अभी जस्ट मैं नहा कर आया हूँ और इसके बाद हम कपड़े पहनते हैं, बाकी बात उसके बाद करते हैं, ठीक है। तो मैं हो चुका हूँ रेडी कोट पैंट पे, और ये है मेरा मिरर लुक। ये फुल लुक देखिए कैसा लग रहा हूँ। अब लेने जा सकता हूँ ना मैं उनको, ये देखो। आप लोग को कुछ अपने फैमिली मेम्बर से मिलाता हूँ, जीजा चाचा सब लोग आए हैं, तो चलो चलते हैं, ठीक है। ये सब लोग बैठे हैं, ये हमारे छोटे वाले चाचा हैं, और ये हमारे बड़े वाले जीजा हैं, सबसे बड़े वाले। ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे बीच वाले जीजा हैं, जो बीच वाली दीदी थी ना उनके जीजा हस्बैंड हैं, और ये जीजा के भाई हैं छोटे वाले। तो सब लोग रेडी हैं बस। चाचा बड़े चाचा ये देखो बोल रहे हैं मौसियाँ हैं, मतलब ये मौसियाँ भी लगते हैं। मम्मी के बहन थी वो भी, मतलब वैसे भी हैं, पापा के भाई भी हैं, तो हाँ तो वैसा रिलेशन है। तो मेरे मौसी और चाचा दोनों लगते हैं। सब लोग इंजॉय कर रहे हैं बस, अब रेडी हैं सब लोग जाने के लिए। अब हम निकलने को तैयार हैं सब लोग, और ये खड़ी है हमारी गाड़ी चमचमाती हुई। इस चमचमा इसलिए रही क्योंकि सुबह से आधा घंटा तक लगभग इसे साफ किया मैंने। और ये घर, ये देखो जीजा लोग हैं, ये मम्मी जी आ रही हैं तैयार होकर तिलक लगाने। और तिलक मेरा तिलक होगा, लगा मम्मी। देखो मम्मी जी, ये देखो संध्या के गांव की हरियाली, चारों तरफ हरा भरा है। और देखो गेहूं की फसल है, ये गेहूं का सीजन चल रहा है ना इस समय, तो इसीलिए गेहूं की फसल पूरे में लगी हुई है। तो आ गए हम अब ससुराल की तरफ, और ये देखो सब लोग बैठे हैं नाश्ता के लिए, सब भूखे बैठे हैं, सब नाश्ता पाते ही झूठ पड़ेंगे सब। ये जीजा है, ये ड्राइविंग कर रहे हैं। और ये देखो हमारे ससुराल की गलियाँ, आराम से देखो बकरी है। ये देखो बस अब पास में ही है उनका घर संध्या का, देखिए। ये एक गाड़ी पहुंच चुकी है जिसमें हमारे बाकी के लोग बैठे हुए हैं, हमारे घर के ये सब पहुंच गए हैं। और ये है घर संध्या का, अब हम आ चुके हैं संध्या के घर। और संध्या को देखना है ना आपको, अभी थोड़ी देर बाद दिखाते हैं आपको, ठीक है। बैठे हुए थे और नाश्ता चाय पानी सब हो गया, और अब ये पता नहीं कैसा रिचुअल है कि मतलब रंग लगाया जाता है पैरों में, तो बस सब भाभी जी जो है वो बस हमारे पैरों में रंग लगा रही है। और देखो काफी अच्छा रंग लगाया हुआ उन्होंने। देखो भाई आ गए घर में हम लोग, वापस ले आके संध्या को। देखो दिया वगैरह जला रही हैं, घर का चिराग है ये। अब सबके पैर छू रही है, बहुत संस्कारी है। पता नहीं मम्मी लोग हैं, मम्मी है, दादी हैं। मैं फिर से वापसी हो गई, कल गई थी आज फिर आ गई। पूजा हो रही है, देखो पूजा की तैयारी। एक तो हर बार भी कुछ भी होता है ना शादी के बाद, तो बस हर जगह पूजा। मेरे भी पैर रंग दिए हैं देखो कितने बढ़िया। और ये हमारे घर का मंदिर है, हमारा पुराना वाला जो घर है ना बगल में, ये उसी का मंदिर है, और पूजा यही होती है। नए वाले घर पे मंदिर नहीं बनाया अभी। आ गए फिर से हम लोग घर पे। और कैसा लग रहा है बताओ, रोना आ रहा है क्या, घर की याद आ रही है? हाँ क्या यहाँ अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है, कल चले जाओगे फिर अच्छा लगेगा। मैं मारता हूँ क्या पहले बताओ?
परेशान करते हो बस। परेशान तो मैं करूंगा ही। और अब देखो क्या कर रही है, पैसे जो पैसे मिले वो गिन रही है। देखो कितने पैसे मिले हैं? बहुत सारे। कैसे, कब कब मिले हैं? विदाई में? गिन के बताओ कितने हैं। किसने किसने सबसे ज्यादा किसने दिए? सबसे ज्यादा किसने दिए? नानी ने। दिखाओ नानी वाली नोट कौन सी है, याद है? 500। टोटल कितने होंगे वैसे? 5,000 के आसपास। 5,000। चलो फिर कुछ दिन का तो खर्चा हो गया, अब खाने पीने का। नहीं, क्यों नहीं दोगी मुझे, मेरे ही तो है। ले लो। बताओ दूं कि ना दूं इसे? बताओ दूं कि ना दूं इसे, वापस बताओ। बताओ आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, कि उसको पैसे दूं या ना दूं। ये देखो इसको गिफ्ट में चॉकलेट मिली थी। लग रहा है दूसरी चाली चॉकलेट कहाँ है। देखो चॉकलेट तक नहीं दी, बताओ वहाँ से मिला मुझे एक चॉकलेट, अगर मांग रहा हूँ तो दे नहीं सकती है। देखो ऐसी बाइक मिली है, खुद घर से देखो एक भी नहीं खिला सकती है। इतने सारे पैसे? हाँ इतने सारे पैसे सब मेरे हैं, ठीक है। तो मुझे चॉकलेट मिल चुकी है, तो हम लोग मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक टेक केयर सब लोग, बाय बाय।